गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों हम ट्रांसलेशन में वर्कशीट 24 तक कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हम वर्कशीट 25 करेंगे ट्रांसलेशन में। देखिए फर्स्ट सेंटेंस क्या है, तो जो आपकी वर्कशीट 25 है वो मिसलेनियस सेंटेंसेस है, मतलब अभी तक हमने जितने भी सेंटेंसेस पढ़े सब उसमें मिक्सअप हैं। तो एक तरीके से अब आपका रिविज़न है कि आपने क्या सीखा। इतनी सारी वर्कशीट्स 24 तक हम वर्कशीट्स कर चुके हैं, तो आपने इनमें क्या सीखा, ये सारी वर्कशीट्स का क्या है, मिक्सअप है। तो इसे आप ट्राई कीजिए कि आप खुद ही करें इसे। देखिए तो फर्स्ट सेंटेंस क्या है बच्चों, द फील्ड हैज़ बीन सोन विथ वीट। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पर आप देख रहे हैज़ बीन आ रहा है, ठीक है। तो ये पैसिव है, क्या है ये, पैसिव सेंटेंस है, इतना तो आपको पता चल गया। अब ये किसका पैसिव है, किसका पैसिव है, प्रेजेंट परफेक्ट का, क्योंकि यहाँ पर हैज़ यूज़ किया गया है ना, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है। अब देखिए हिंदी बनाते हैं इसकी, द फील्ड मतलब खेत, फील्ड मतलब क्या होता है बच्चों, खेत। अब सोन, ये किसकी थर्ड फॉर्म है, सो, सो मीन्स बोना है ना, तो बोने की थर्ड फॉर्म हो गई सो। द फील्ड हैज़ बीन सोन, इसका मतलब क्या हुआ, खेत बोया गया है, क्या बनेगी इसकी हिंदी, खेत बोया गया है या फिर खेत बोया जा चुका है। विद वीट मतलब गेहूं से, विद वीट मतलब गेहूं से, तो खेत गेहूं से बोया गया है या खेत गेहूं से बोया जा चुका है। आया सभी को समझ, नेक्स्ट देखिए, शी टुक अ बाइट एंड देन सडनली स्पैट इट आउट। अब ये कौन सा टेंस है इसमें आप मुझे बताइए, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है ना, टेक मतलब लेना और टुक मतलब लिया, और यहाँ पर भी स्पैट स्पिट थूकना, स्पैट थूका या बाहर निकालना, ओके। शी टुक अ बाइट, बाइट मतलब होता है एक टुकड़ा, उसने एक टुकड़ा, शी टुक अ बाइट मतलब उसने एक टुकड़ा लिया या उसने एक टुकड़ा दांतों से काटा। एंड देन और फिर, देन मीन्स फिर, सडनली अचानक से, और फिर अचानक से, स्पैट इट आउट अचानक से उसे बाहर निकाल दिया, उसने एक टुकड़ा दांतों से काटा और फिर अचानक उसे बाहर निकाल दिया। आया सभी को समझ, स्पिट आउट, स्पिट आउट मतलब क्या होता है, बाहर निकालना, बाहर थूकना। आया समझ, नेक्स्ट देखिए थर्ड वाला, वी नीड टू स्प्रेड आउट द गुड मैसेज ऑफ गॉड, ओके। ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की गई है नीड, तो वी नीड, नीड मतलब होता है ज़रूरत होना, तो हमें ज़रूरत है, वी नीड हमें ज़रूरत है। टू स्प्रेड आउट, स्प्रेड आउट मतलब क्या होता है आप मुझे बताइए, स्प्रेड आउट मीन्स होता है फैलाना, स्प्रेड आउट मीन्स फैलाना, तो हमें फैलाने की ज़रूरत है। द गुड मैसेज, गुड मतलब अच्छा और मैसेज मतलब संदेश, अच्छे संदेश को फैलाने की ज़रूरत है, किसके, ऑफ गॉड भगवान के, ऑफ गॉड मीन्स भगवान के, हमें भगवान के अच्छे संदेश को फैलाने की ज़रूरत है। आया समझ, आगे देखिए, देखिए फोर वाला देखिए बच्चों क्या है, वी वर स्प्लिट। अब आप मुझे बताइए, वी वर स्प्लिट है ना, ये कौन सा टेंस है, यहाँ पर पैसिव है, क्योंकि वी वर स्प्लिट है ना, पैसिव है, और कौन से टेंस का पैसिव है, पास्ट इंडेफिनिट का, क्योंकि यहाँ पर वर यूज़ किया गया है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का क्या है, पैसिव। स्प्लिट मतलब होता है बच्चों विभाजित करना, स्प्लिट मीन्स क्या होता है, विभाजित करना है ना, तो हमें विभाजित किया गया, हमें विभाजित किया गया, इनटू में, टू ग्रुप्स, ग्रुप्स मतलब समूह, दो समूहों में, हमें दो समूहों में विभाजित किया गया। फॉर के लिए, किसके लिए, डिस्कशन, डिस्कशन मतलब होता है चर्चा, चर्चा के लिए, चर्चा करने के लिए, हमें चर्चा करने के लिए दो समूहों में
विभाजित किया गया। आया समझ? सभी को समझ में आया? क्या है इसका मतलब? हमें दो चर्चा करने के लिए, डिस्कशन मतलब क्या होता है? चर्चा करना होता है ना, डिस्कशन कर रहे हैं हम, चर्चा कर रहे हैं, तो डिस्कशन मतलब होता है चर्चा करना, ठीक है। स्प्लिट अप, तो हमें विभाजित किया गया किस दो समूह में, किस लिए? चर्चा करने के लिए, हमें चर्चा करने के लिए दो समूहों में विभाजित किया गया। आया समझ? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए बच्चों, क्या है फिफ्थ वाला। अ पॉकेट वॉज स्टिच्ड टू द फ्रंट ऑफ द जैकेट। अब आप यहाँ देख रहे हैं ये भी पैसिव है, क्योंकि यहाँ पर वॉज यूज किया गया है वर्ब की थर्ड फॉर्म। स्टिच मतलब क्या होता है? सिलना। स्टिच मतलब सिलना। तो अ पॉकेट, एक पॉकेट वॉज स्टिच्ड, सिली गई, एक पॉकेट सिली गई। कहाँ सिली गई? टू द फ्रंट मतलब आगे की तरफ, ऑफ द जैकेट, फ्रंट ऑफ द जैकेट मतलब जैकेट के सामने, जैकेट के सामने एक जेब सिली गई या एक पॉकेट सिली गई। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए सिक्स वाला। ही स्ट्रेस्ड आउट हिमसेल्फ ऑन सोफा एंड फेल asleep। स्ट्रेच आउट मतलब क्या होता है? फैलाना। ही स्ट्रेच आउट मीन्स फैलाना, जैसे हम रबड़ को स्ट्रेच आउट करते हैं, स्ट्रेच करते हैं तो उसको बड़ा करते हैं, फैलाते हैं। तो ही स्ट्रेच्ड आउट, बताइए यहाँ पर कौन सा टेंस है स्ट्रेच्ड आउट? पास्ट इनडेफिनिट है ना। तो उसने फैलाई या उसने फैलाया हिमसेल्फ, खुद को, ऑन सोफा सोफे पर, उसने सोफे पर खुद को फैलाया, उसने सोफे पर खुद को फैलाया। एंड और फैल असली और सो गया, उसने खुद को सोफे पर फैलाया और सो गया, ठीक है। नेक्स्ट सेवन नंबर का सेंटेंस देखिए बच्चों, क्या है। द स्टोन वॉज स्ट्रक इन द इंजन है ना। अब बताइए यहाँ पे कौन सा टेंस है, ये क्या है? वॉज स्ट्रक पैसिव है, क्योंकि यहाँ पर वॉज यूज किया है ना। अब कौन से टेंस का पैसिव है बताइए? पास्ट इंडेफिनिट है ना। तो पत्थर से इंजन में, पत्थर से इंजन में प्रहार हुआ, पत्थर से इंजन में प्रहार हुआ। इंजन कैसे लिखेंगे? इन जन, ओके। और प्रहार कैसे लिखेंगे? इस तरीके से, प्रहार हुआ। आया समझ सभी को? नेक्स्ट देखिए एट वाला। शी सक्सीडेड इन हर मिशन। अब सक्सीड मीन्स क्या होता है? सफल होना। सक्सीड मीन्स सफल होना। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर कौन सा टेंस है? पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट। शी सक्सीडेड, वह सफल हुई, वह सफल हुई इन में हर मिशन, मिशन मतलब अपने मिशन, जो भी उसने प्लानिंग की थी, जो भी उसका मिशन था उसमें, वह अपने मिशन में सफल हो गई या वह अपने मिशन में सफल हुई। आया समझ सभी बच्चों को? तो आपको ये एट सेंटेंसेस समझ में आए। ये मिसलेनियस से ध्यान से पहले टेंस पहचानिए, फिर उसकी हिंदी बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखिए, अब नाइन वाला देखिए क्या है बच्चों। दे स्विच्ड ऑन। अब आप मुझे बताइए इसमें कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। स्विच्ड ऑन है ना, पास्ट फॉर्म है, तो ये कौन सा टेंस है? इसमें पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है स्विच ऑन की। स्विच ऑन मतलब क्या होता है बच्चों? खोलना। स्विच ऑन मीन्स खोलना। तो दे स्विच्ड ऑन द टेलीविज़न टू वॉच देयर प्रोग्राम। दे स्विच्ड ऑन, उन्होंने खोला, क्या खोला? द टेलीविज़न, उन्होंने टेलीविज़न खोला। टू वॉच, टू वॉच मतलब देखने के लिए है ना, देयर प्रोग्राम अपना कार्यक्रम, उन्होंने अपने कार्यक्रम को देखने के लिए टेलीविज़न खोला। वॉच मतलब होता है ना देखना, तो टीवी देखने के लिए हम कौन से वर्ब यूज़ करते हैं? वॉच। तो उन्होंने अपने कार्यक्रम को देखने के लिए टेलीविज़न खोला। अंडरस्टूड? नेक्स्ट देखिए। यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।
अब यहाँ पर शुड है, ये कौन सा है, मोडाल वर्ब है। शुड जो है वो मोडाल वर्ब भी तो है, शुड, कैन, मस्ट, ये मोडाल वर्ब है। तो यू शुड टेक केयर, टेक केयर ऑफ की पूरे की हिंदी क्या होती है बच्चों, देखभाल करना। टेक केयर ऑफ मीन्स देखभाल करना। तो तुम्हें देखभाल करनी चाहिए, शुड की हिंदी क्या बनती है, चाहिए। तुम्हें देखभाल करनी चाहिए, योर हेल्थ मतलब अपने स्वास्थ्य की, तुम्हें अपने स्वास्थ्य की देखभाल करनी चाहिए। आया समझ? अगला देखिए, शी टुक ऑफ एज सून एज यू कॉल्ड। टुक ऑफ मतलब टेक ऑफ, टेक ऑफ मीन्स क्या होता है, वस्त्र उतारना, कपड़े उतारना। तो उसने उतार दिए, उसने वस्त्र उतार दिए। एज सून एज का मतलब, एज सून एज मतलब जल्द ही, एज सून एज मतलब जल्द ही, यू कॉल्ड। देखिए ऐसा है, शी टुक ऑफ एज सून एज यू कॉल्ड, जैसे ही तुमने बुलाया। इसकी हिंदी क्या बनेगी, जैसे ही तुमने बुलाया। पहले पीछे से इसकी हिंदी बनेगी, एज यू कॉल्ड, जैसे ही तुमने बुलाया वैसे ही, जैसे ही तुमने बुलाया वैसे ही उसने उसने वस्त्र उतार दिए। जैसे ही तुमने बुलाया वैसे ही उसने वस्त्र उतार दिए। आया समझ? नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए बच्चों, 12 वाला, द फाइन विल बी टेकन आउट ऑफ योर वेजेस। ठीक है, अब देखिए ये विल बी टेकन आउट, ये फ्यूचर इंडेफिनेट का पैसिव है। अभी हमने फ्यूचर के पैसिव नहीं सीखे हैं, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, अभी आपको फ्यूचर के नहीं सीखने हैं। तो बट यहाँ पर आप देख सकते हैं टेकन यूज़ की गई है, विल की जगह विल बी, तो विल बी टेकन। तो मतलब क्या है, फाइन, फाइन मतलब क्या होता है, क्या होता है फाइन मीन्स, बताइए आप मुझे। फाइन मीन्स होता है शुल्क। तो फाइन विल बी टेकन आउट, टेक आउट मीन्स क्या होता है, निकालना, ले लेना। तो द फाइन विल बी टेकन आउट, शुल्क ले लिया जाएगा, है ना, ऑफ योर वेजेस मतलब तुम्हारे वेतन से, शुल्क तुम्हारे वेतन से ले लिया जाएगा, शुल्क तुम्हारे वेतन से ले लिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आई एम नॉट गोइंग टू टीज हर नाउ। अब आप मुझे बताइए यहाँ पर कौन सा टेंस है, नॉट गोइंग, आई एम नॉट गोइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस का नेगेटिव है ना, आई एम नॉट गोइंग, आई एम नॉट गोइंग का मतलब क्या है, मैं नहीं जा रहा हूँ। टू टीज, टीज मतलब क्या होता है, परेशान करना, टीज मीन्स क्या होता है, परेशान करना, मैं या चिढ़ाना, मैं चढ़ाने नहीं जा रहा हूँ। हर उसे, नाउ मीन्स अब, मैं अब उसे चिढ़ाने नहीं जा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू टीज अ नाउ, अब मैं उसे चिढ़ाने नहीं जा रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, फार्मर्स आर थ्रेशिंग द व्हीट इन द फील्ड। ये कौन सा टेंस है, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस, आर थ्रेशिंग है ना, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब आप जाइए बताइए, फार्मर्स आर थ्रेशिंग द व्हीट, फार्मर्स मतलब क्या होता है, फार्मर्स मीन्स किसान, थ्रेश, थ्रेश मीन्स होता है बच्चों छानना, थ्रेश मीन्स छानना, तो किसान छान रहे हैं, थ्रेश मीन्स क्या होता है, छानना, तो किसान छान रहे हैं, है ना। द व्हीट गेहूँ, किसान गेहूँ छान रहे हैं। इन द फील्ड, इन द फील्ड मतलब खेत में, किसान खेत में गेहूँ छान रहे हैं, किसान खेत में गेहूँ छान रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, वी विल ट्रेन सम टीचर्स नेक्स्ट मंथ, वी विल ट्रेन सम टीचर्स नेक्स्ट मंथ, है ना। ट्रेन मतलब क्या होता है बच्चों, ट्रेन मतलब होता है प्रशिक्षित करना किसी को, है ना, उसको उसके काबिल बनाना, ट्रेन करना, ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षित करना। वी विल ट्रेन, हम प्रशिक्षित, प्रशिक्षित देखिए इस तरीके से करेंगे, सम टीचर्स कुछ शिक्षिकाओं को,
कुछ शिक्षिकाओं को नेक्स्ट मंथ मतलब अगले महीने। आया समझ? सभी को समझ में आया? तो आज हम वर्कशीट 24 के 15 तक के सेंटेंसेस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आगे के सेंटेंसेस आपको इसी वे में कराऊंगी। तो बहुत ही ध्यान से टेंस को समझकर आपको इनकी हिंदी बनानी है एंड पे अटेंशन वाइल मेकिंग हिंदी। अंडरस्टूड? सभी को समझ में आया? तो अब मैं आपको बच्चों नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी। आज आपका वर्क है वर्कशीट 25 के 1 to 25 सेंटेंसेस की आपको क्या बनानी है? हिंदी। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।